morning students. Today I, Rashna Singh from Takshila Model School, am going to continue chapter 7 of science class 6, that is the living and non-living things. Students, today I am going to introduce you about living and non-living things. What are these living and non-living things? Students, there is a very great difference in between both living and non-living. First of all, living. What are living things and how we are going to differentiate them? कैसे पता लगेगा हमें कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है? आपके सामने अगर हम 10 आर्टिकल्स रखते हैं, कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और पूछते हैं उनसे कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, आपको दोनों को कैटेगराइज करना है, तो क्या आप कर पाएंगे कैटेगराइज विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग? सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कैटेगराइज द थिंग्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. स्टूडेंट्स, हमारा जो ये प्लेनेट है अर्थ, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं. एक एनवायरमेंट है और उस एनवायरमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, राइट? अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रो करती हैं, ठीक है? कुछ चीजें ग्रो करेंगी बट कुछ चीजें ग्रो नहीं करती हैं. कुछ चीजें ब्रेथ करेंगी बट कुछ चीजें ब्रेथ नहीं करती. कुछ चीजें मूव करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी मूवमेंट शो करती हैं और कुछ चीजें मूवमेंट शो नहीं करती, राइट? इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करते. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, ऐसा होता है जब ये सारी चीजें होती हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में या कोई भी ऐसी चीज इस अर्थ पे अगर वो ग्रो कर रही है, ब्रेथ कर रही है, मूव कर रही है, इन जनरल दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग. मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होता है कि ग्रो कर रही है कोई चीज, ब्रेथ कर रही है, मूव कर रही है, तो वो चीजें लिविंग होती हैं. दे आर नोन एज लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, डॉग. डॉग ब्रेथ करता है, सांस लेता है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है. आप किसी सोते हुए इंसान को देखोगे तो वो इन जनरल अगर देखा जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूवमेंट नहीं कर रहा है शो, बट उसके अंदर भी एक मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि ब्लड फ्लो होता है और एयर ब्रीद इन होती है, एयर ब्रीद आउट होती है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट भी अप एंड डाउन मूवमेंट शो करती है, ठीक है? तो वो भी एक जनरल छोटा सा मूवमेंट है, राइट? फिर ग्रोथ शो करता है. अगर एक छोटा सा बेबी है, वो छोटा है पहले, फिर उसके बाद धीरे 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 ग्रोथ होती जाती है उसके अंदर और फिर वो एक एडल्ट बन जाता है, राइट? तो वो भी एक लिविंग बीइंग है. प्लांट, एक सीड होता है छोटा सा, फिर वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे ग्रोथ करके, तो वो भी एक लिविंग बीइंग है, राइट? इसी तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे कि वो लिविंग बीइंग्स हैं, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग, राइट? तो हमारा जो स्टूडेंट ये एनवायरमेंट है, इसमें हर एक टाइप की चीजें प्रेजेंट है, लिविंग्स भी प्रेजेंट है, नॉन लिविंग भी प्रेजेंट है. तो हमारी अर्थ पे मैटर है, बहुत सारे हैं मैटर, चीजें बहुत सारी हैं. दे कैन बी लिविंग, दे कैन बी नॉन लिविंग. जैसे ये बोर्ड नॉन लिविंग है, चॉक नॉन लिविंग है, चेयर, टेबल, फर्नीचर, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग, राइट? वेदर, प्लांट्स. स्टूडेंट्स, प्लांट्स का केस आपको ध्यान रखना है. प्लांट्स मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट स्टिल दे आर लिविंग, ओके? कुछ एक आध एक्सेप्शंस होती हैं कहीं कहीं, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो इंटरनली तो रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है? उनके अंदर इंटरनल मूवमेंट्स हो रही हैं. जैसे वॉटर, वॉटर नीचे से रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, इंटरनल मूवमेंट हुई,
तो हर कोई जो लिविंग होगा उसके अंदर इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, जो सेल होता है उसके अंदर वर्किंग्स होती हैं, रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। ओके, तो हम ये जो मूवमेंट वाली बात है वो हम एक्सटर्नल ना देखें, इंटरनल देखें। इंटरनल मूवमेंट हर किसी लिविंग के अंदर होती है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी चीज लिविंग होगी और कौन सी नॉन लिविंग होगी। स्टूडेंट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इफ देयर इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट्स लाइफ इज फिक्स्ड, मींस एक टाइम पे बर्थ होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड आफ्टर सम टाइम वो लाइव होगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ के बाद एक एंड मोमेंट आएगा, दैट इज डेथ। ओके, दैट इज डेथ। तो जो बिटवीन ये जो टाइम पीरियड है जब वो जिंदा रहा, वो जीता रहा, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट लाइफ स्पैन, द टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके, तो ये लाइफ स्पैन हर किसी लिविंग का डिफरेंट होता है। जैसे मॉस्किटो 2 or 3 days मैक्सिमम, राइट। लिविंग जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का पहले 100 होता था, अब धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है विद टाइम, क्योंकि चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं एनवायरमेंट में। तो जो हेल्थ है वो जल्दी डिग्रेड होने लगी है पॉल्यूशन की वजह से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम उधर ना जाते हुए अपने टॉपिक पे ही रहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा अलग हटके हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइफ स्पैन है, द पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स लाइफ, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। और अपने लाइफ स्पैन में कोई भी लिविंग जो चीज होती है वो अपना साइज भी चेंज करती है, शेप भी चेंज करती है, ठीक है, वो ग्रो करती है। प्लांट्स को देखो, पहले कितना छोटा होता है, फिर वो इतना बड़ा ट्री की फॉर्म में साइज उसका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, शेप, साइज, लेंथ, हाइट, एवरीथिंग, राइट। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स आर आल्सो मैटर एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए लिविंग। लिविंग में हम अगर डॉग का एग्जाम्पल लें तो डॉग स्पेस कवर करेगा, यस। उसका मास है, यस। इट मीन्स दैट लिविंग थिंग्स आर मैटर, इट इज ऑल्सो अ मैटर। सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल एग्जाम्पल लेते हैं, दैट कवर्स स्पेस ऑल्सो एंड हैज मास ऑल्सो, राइट। सो बोथ द थिंग्स आर मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज एटम। ओके, सो बोथ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट आर एटम, ओके, एंड दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वी कैन नॉट सी दैट विद द हेल्प ऑफ अवर नेक्ड आईज, हम नॉर्मल आईज से उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, डिफरेंस बिटवीन, ओके। सो स्टूडेंट्स देयर आर बेसिकली न्यूट्रिशन, एक कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? टू टेक फूड, इनटेक ऑफ द फूड, इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ओके, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स आपने कभी देखा है कि चेयर खाना खाती है? होता है ऐसा? नो। टेबल खाना खाती हो, बोर्ड, चौक, डस्टर, रूम, ब्रेक्स, नो वन? इट मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे डू नॉट टेक न्यूट्रिशन, दे डू नॉट टेक न्यूट्रिशन। व्हाई?
लिविंग थिंग्स टेक न्यूट्रिशन. ओके, लिविंग थिंग्स टेक न्यूट्रिशन एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक न्यूट्रिशन. राइट, इफ यू टॉक अबाउट मूवमेंट्स, मूवमेंट इन दैट केस ऑल्सो लिविंग थिंग्स देयर इज इंटरनल मूवमेंट. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है, इसी तरीके से प्लांट्स में वाटर फ्लो होता है, इंटरनल मूवमेंट्स होती ही होती है, सेल में भी होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी इंटरनल मूवमेंट्स नहीं होती हैं. ओके, कोई सेल ही नहीं है वहां पे, नो सेल इज देयर. मैटर से तो बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, बट सेल नहीं है कोई भी बेसिकली. ठीक है, इस केस में सेल इज प्रेजेंट इन दिस केस. तो मूवमेंट होगा, न्यूट्रिशन होगा, एंड इन दिस केस ग्रोथ इज देयर इन लिविंग, बट इन नॉन लिविंग नो ग्रोथ इज पॉसिबल. सो बेसिकली दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. ग्रोथ के साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें रिप्रोडक्शन का भी है. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग एंड इट डू नॉट टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर कोई इनटेक करता है कुछ चीज को, तो जो वेस्ट होता है वो भी रिमूव होना चाहिए. तो यहाँ पे एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है, एक्सक्रीशन दैट इज टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लिविंग, व्हाई इट विल नॉट हैपन इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. राइट, सो बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर दीज कैटेगरीज. राइट, स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, फॉर द रेफरेंस यू कैन टेक आउट पेज नंबर 104. स्टूडेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी विल डिस्कस हियर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेट मी नो दैट देयर इज अ रूम, देयर इज अ हाउस. ओके, so what is this made up of? It is made up of bricks. Okay, तो यहाँ पे जो brick है वो एक smallest unit है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो घर है, जो पूरा house है वो बना है. ठीक है, तो basic unit यहाँ पे क्या हुई? Brick हुई यहाँ पे basic unit. तो इसी तरीके से students जो कोई भी living being है उसका जो basic unit होता है, मेन चीज, सबसे छोटी चीज जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज सेल. दैट इज सेल. सेल वो चीज है जो बहुत छोटी है, इवन वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ अवर नेक्ड आईज, नॉर्मल आईज. हमें माइक्रोस्कोप यूज करना होता है सेल को देखने के लिए. ठीक है, अब सेल के अंदर हर एक फंक्शन परफॉर्म होता है, ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म इन साइड द सेल. वेदर कुछ भी है वो इनिशिएशन सेल से होता है सारे ही फंक्शंस का. सो स्टूडेंट्स हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट हमने इसीलिए बोला क्योंकि यही बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बनता है. सबसे छोटी यूनिट यही है जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म मिलकर बनता है. एक सेल, फिर दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे एड अप होते जाते हैं और ऑर्गेनिज्म बनता जाता है. इसी तरीके से इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा फंक्शन सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है. राइट, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली सेल के बेस पर टू टाइप्स में डिवाइडेड है. अगर जो सेल होता है वो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर. व्हाट वी कॉल इट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके,
एंड अगर उसमें ऑर्गेनिज्म में मोर देन टू सेल्स हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हैं, कई सारे सेल्स हैं, तो उस केस में हम वो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनि मीन्स वन, सिंगल सेल. एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स सिंगल सेल दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स मैनी सेल्स, मल्टी मीन्स मैनी मोर देन टू सेल्स, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ओके, ऑल दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल्स आर डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, प्लांट्स, ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट?